एकता तू कलंक है। पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल के नेतृत्व में तेजवीर सिंह बघेल, विजय सिंह परिहार, श्रीमती राजेश्वरी देवी, जीतू बघेल, भूरी सिंह बघेल, तानगढ़ी इंजीट सत्येंद्र बघेल महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना ने पाल सिंह घादी ने दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। एकता कपूर की वेब सीरीज वर्जिन भास्कर 2 को लेकर दिया ज्ञापन। इस वेब सीरीज में हिंदू धर्म की लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को लेकर दिखाया है आपत्तिजनक दृश्य, जिससे पूरे भारतवर्ष में काफी रोष है। और अगर हमारी इस मां को अगर दबाया तो लाखों की भीड़ रोड पर आने के लिए तैयार है। सिटी टुडे समाचार बुलंद भारत बुलंद खबर आगरा से अर्जुन रौतेला की रिपोर्ट। मैं राजेश्वरी बघेल, पाल बघेल, धनगर महासभा की जिलाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ जो कलेक्ट्री में आप आए हो, किस लिए आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि एकता कपूर ने एक वेब सीरीज चलाई है जिसमें माता रानी अहिल्याबाई होलकर का अपमान किया है। उन्होंने माता रानी अहिल्याबाई होलकर के छात्रावास के नाम से एक सेक्स रैकेट चला रही है। एक महिला होने के नाते भी एकता कपूर इस बात को नहीं सही तरीके से रख पाई जिस तरह से रखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे एकता कपूर के बारे में? एकता कपूर ने महिलाओं के साथ हमारी माता रानी अहिल्याबाई होलकर का अपमान किया और घोर अपमान किया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने सीरीज चलाई है उसको तुरंत बंद कर दिया जाए। पाल बघेल धनगर महासभा के आगरा जिला इकाई और प्रदेश इकाई यहाँ उपस्थित हुई है। एकता कपूर का हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं। एकता कपूर ने अपनी वेब सीरीज वर्जिन भास्कर 2 में एक हॉस्टल का यूज किया है। उस हॉस्टल का नाम रखा है माता अहिल्याबाई महिला छात्रावास। और माता अहिल्याबाई होलकर ने देश पर 28 साल राज किया, जो अकलौती शासिका ऐसी हैं जिनके लोक माता कहा गया, देवी का सम्मान दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर शासन करना किसी से सीखना है तो माता अहिल्याबाई होलकर का शासन पढ़ें। और एकता कपूर ने उनका अपमान करते हुए उस छात्रावास में सेक्स रैकेट को दिखाया हुआ है। उस हॉस्टल का नाम अहिल्याबाई रखा है, जिससे पूरा देश के सभी हमारे समाज के लोग आहत हैं। तो हम ये आज विरोध करने आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं राज्यपाल के नाम और जिलाधिकारी के नाम और पुलिस अधिकारी के नाम कि इसको तुरंत ही उस वेब सीरीज से हटाया जाए और हमारे लोगों का जो सम्मान को ठेस पहुंची है, आहत पहुंची है। तो वो अगर एकता कपूर की बात की जाए तो पहले भी ये शहीदों को लेकर के बयानबाजी कर चुकी है। एकता मानसिकता है इनकी, एकता कपूर की मानसिकता महिलाओं का अपमान करना है। वो खुद एक महिला है और फिर भी उनको अपने महिलाओं का अपमान वो करती हैं। तो हम लोग इससे कहें तो उन पर कार्रवाई की जाए जिससे वो आगे भी ऐसा ना करें। तो ये हम प्रशासन और प्रशासन से मांग करते हैं। वीर सिंह बघेल, किस उद्देश्य से आए हैं? आज हम सब लोग पाल बघेल धनगर समाज के लोग हैं और पाल बघेल धनगर महासभा उत्तर प्रदेश की कमेटी और जिला आगरा की कमेटी सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इसलिए आए हैं कि एकता कपूर ने वर्जिन भास्कर 2 नाम से एक वेब सीरीज जारी की है। उसमें अहिल्या महिला छात्रावास जो यूज किया गया है उसका नाम लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर रखा गया है। इससे हमारे पाल बघेल धनगर समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। हम सब लोगों की मांग है कि एकता कपूर के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आज अगर आपने प्रशासन को यह ज्ञापन दिया है, क्या आपको आश्वासन दिया गया है?
अभी ज्ञापन हमने दिया है और उसमें मांग की गई है कि एकता कपूर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो पाल बघेल धनगर महासभा बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। एकता कपूर के खिलाफ पहले भी कई बार हो चुकी है, उसके आपका क्या उद्देश्य है? एकता कपूर की मानसिकता ही इस तरीके की है, उनका कोई मान सम्मान और अपमान नहीं है। वो खुद नारी होते हुए भी ये नहीं समझ पाती हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। उनको सिर्फ एक जिद्दी के रूप में कह सकते हैं कि वो उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, मगर उनको किसी की भावना से कोई मतलब नहीं है। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर।